गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 9 सॉइल स्टार्ट करेंगे आज। सॉइल जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी जिस पे हम खेलते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे पेड़ पौधे उगते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो सब चीज़ें सॉइल में ही पैदा होती हैं। तो ये चैप्टर हमें सॉइल के इम्पॉर्टेंस के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में जानकारी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सॉइल। सॉइल जो है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है और पेड़ पौधों को उगने में भी मदद करती है, और ग्रोथ के साथ साथ ये उनको खड़े रहने में, आप देखिए सॉइल जो है, अगर पेड़ की जड़ें उस सॉइल के अंदर पकड़ ना बनाए तो पेड़ गिर जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो हवा ज़्यादा आने की वजह से या ज़्यादा पानी आने की वजह से, बाढ़ की वजह से वो जल्दी गिर जाते हैं। तो सॉइल जो है उसमें जड़ें जो हैं वो पेड़ की उसको इतने टाइटली पकड़ लेती हैं कि वो गिरने से बच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो प्लांट्स को जो चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो तो सप्लाई करता ही है ग्रोथ के लिए, बल्कि इसके साथ साथ उसको सीधा खड़ा रखने में, यानी कि उसको फॉर्मली स्टैंड करने में, खड़े रहने में भी मदद करता है, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी सॉइल को प्रोवाइड करवा, सॉइल से प्रोवाइड होते हैं पेड़ पौधों को। सॉइल जो है इसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स का घर है। मिट्टी के अंदर तरह तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंगाई पाई जाती है। इसके साथ साथ सॉइल के अंदर पाए जाने वाले छोटे बड़े काफ़ी सारे प्राणी, जिनका नाम हम ले सकते हैं, बीटल्स, सॉइल माइट्स, रोडेंट्स, एंट्स, अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, टर्माइट्स, स्नेक्स, रैट्स एक्सेट्रा, ये सब जो प्राणी हैं ये सब मिट्टी के अंदर ही घर बनाकर रहते हैं। सॉइल जो है खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसी के ऊपर खेती आधारित रहती है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होती है। और खेती की बात करें, एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यही से हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। हमें खाना मिलता है, शेल्टर और क्लोथिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें खेती से ही मिलती हैं। फूड जो हम खेतों में उगाते हैं, खाना वहाँ से हमको मिलता है। शेल्टर यानी कि हमारे घर, उसमें भी लकड़ी का उपयोग होता है जो कि खेतों में उगाई जाती है, यानी कि ज़मीन में ही उगते हैं पेड़, उसी से घर बनते हैं। और क्लोथिंग की बात करें तो कपड़े जो हमारे हैं वो भी कॉटन से बनते हैं, जो कि हमें धरती से ही मिलता है। अब हम सॉइल को और डिटेल में जानेंगे। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल का फॉर्मेशन 1, 2, 3 या 10 दिन का काम नहीं, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरा होता है। सॉइल बनती कैसे है? सॉइल जो है वेदरिंग के द्वारा बनती है। जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है, बड़े बड़े रॉक्स से, उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी कि वेदर में बदलाव आता है, जब बदलाव आने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब सूर्य की प्रकाश बढ़ जाता है बहुत गर्मी हो जाती है, विंड तेज़ हवा चलती है, तेज़ बारिश आती है, या फिर तेज़ पानी बहता है फ्लड के दौरान, या फिर और किसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव आता है, चेंज आता है, तब हम इस पूरी कंडीशन को कह सकते हैं वेदरिंग। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो दिन के समय गर्मी होने की वजह से एक्सपैंड हो जाते हैं, और रात के समय ठंडा मौसम होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इनके बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से इनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों के अंदर जब ये पानी जाता है या फिर तेज़ हवा जाती है, तो उसके अंदर दरार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, उसके अंदर से पार्टिकल्स जो हैं उस रॉक के वो निकलकर ढलान वाली जगहों पर बहकर चले जाते हैं, और फिर इन्हीं के अंदर कभी कभी पौधे भी उग जाते हैं, और इनके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी रहते हैं, जिसके कारण से ये जो दरारें हैं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार से सॉइल फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। वेदरिंग जो है पत्थरों का बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें 1 दिन 2 दिन नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिससे फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल बनते हैं, यानी कि बहुत समय लगता है इसमें।
जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिकम्पोज हो जाती हैं और ऑर्गेनिक मैटर के रूप में धरती में मिल जाती हैं, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो ह्यूमस में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं पेड़ों की, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। पृथ्वी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है जो कि वेदरिंग के दौरान रॉक से बनता है, और उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स के मिक्सचर के साथ साथ ह्यूमस भी होता है। तो ये जो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड इवन द ह्यूमस इज ऑल्सो अ कंटेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। अब किसी भी रॉक की मिट्टी के प्रकार की बात करें कि कैसी सॉइल है, तो सॉइल का टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के रॉक से वो बनी है। अगर वो रॉक जो है उसको पेरेंटल रॉक कहा जाता है, उस पेरेंटल रॉक से किस प्रकार का वो रॉक है उसी पे आधारित होता है कि मिट्टी कैसी बनेगी और उस मिट्टी में कैसी वेजिटेशन होगी। क्योंकि आप जानते हो कि हर एक मिट्टी के अंदर हर एक पदार्थ या हर एक जो प्लांट है वो नहीं उग सकता है। नेक्स्ट वील सी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है उसके अलग अलग लेयर्स होती हैं। हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे पता लगेगा कि सॉइल जो है वो अलग अलग। आप यहाँ देखिए, पानी के अंदर जब आपने सॉइल ऐड की तो ऊपर कुछ चीज़ तैरने लगेगी, उसके नीचे साफ पानी होगा, उसके नीचे क्ले होगी, सिल्ट होगा, नीचे सैंड होगी, और सबसे नीचे जो है ग्रेवल होगा जिसमें रॉक पार्टिकल्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा किस प्रकार से पानी में जब उसको हमने सॉइल को ऐड किया तो उसके अंदर अलग अलग जो लेयर्स पैदा हो गए। तो ये हमको बताता है कि सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस। एक एक्सपेरिमेंट जो हमने यहाँ पर किया, मिट्टी को जो हमने पानी में डाला, तो इस प्रकार से वो अलग अलग पार्ट्स में बदल गया। तो सॉइल जो है वो उसके अंदर ग्रेवल होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट होता है, क्ले होती है, और ह्यूमस भी होता है जो कि अलग अलग लेयर्स में अरेंज्ड रहता है। सॉइल के अंदर इसके साथ साथ वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके साथ साथ वाटर और एयर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वो भी सॉइल के द्वारा ही इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, और डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ को भी ये ह्यूमस में क्रिएट चेंज करने में मदद करती है सॉइल। ह्यूमस जो है सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाता है उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देकर, और वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और मिनरल्स को वॉश अवे होने से बचाता है। यानी कि पानी के साथ बहकर मिनरल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उनको फ्लोइंग वाटर से के साथ बहने से बचाता है, बचाती है हमारी सॉइल। क्या आप जानते हैं हमारी सॉइल जो है, अगर हम 1 ग्राम सॉइल लेंगे तो उसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरियाज उसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे। हम जो हैं यूजुअली सॉइल के टॉप सरफेस को देखते हैं, उसके अंदर की लेयर्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। अगर हम इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटेड डिच, अगर हम किसी डिच मतलब होता है गड्ढा, किसी गड्ढे की साइड्स को देखें, रिसेंटली डग डिच, यहाँ पर रिसेंटेड नहीं है, रिसेंटली है शब्द, यानी कि अभी ताज़ा बना हुआ कोई गड्ढा है, अगर आप उसको देखोगे तो आप क्या पाओगे, हम वहाँ पर इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल भी देख पाएंगे, यानी सॉइल के अंदर की लेयर्स भी हमें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से हम सॉइल प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। यानी कि अगर हम सॉइल का, जैसे हम केक खाते हैं या पेस्ट्री खाते हैं, तो पेस्ट्री में कैसे लेयर्स होती हैं अलग अलग, ऊपर क्रीम होती है, उसके नीचे ब्रेड रहता है, फिर उसके नीचे फिर क्रीम होती है, फिर ब्रेड रहता है, फिर क्रीम रहती है, तो इस तरह अलग अलग लेयर्स हमको दिखाई देती हैं। तो वैसे ही सॉइल प्रोफाइल, यानी कि उसके अगर हम अलग अलग लेयर्स को देखें, उसके एक पीस को कट करके, जैसे हम नीचे पिक्चर में देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर हर एक लेयर जो है वो एक दूसरे से अलग है, टेक्सचर में भी, कलर में भी, डेप्थ में भी, और इनको लेयर्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्स। इन लेयर्स को अलग अलग वे में हॉरिजॉन्स कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल जो है उसको जब आप
कुआं खोदते हैं उस समय देख सकते हैं, या फिर बिल्डिंग की फाउंडेशन यानी कि बिल्डिंग की जब आप नींव रखते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, तो उस समय जो आपको नीचे के पार्ट दिखाई देते हैं वहाँ पर आप सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हो। जब कभी आप पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरते हैं तो साइड में आप उन लेयर्स को वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर किसी नदी के किनारे से जब आप गुजरते हैं तो वहाँ भी आपको ये दिखाई दे सकता है। अब इसमें पहला जो पार्ट आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, और उसके नीचे हमारी सेकंड लेयर आ जाती है। देन वी हैव द थर्ड लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, दिस इज द फोर्थ लेयर। ये चारों लेयर हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज़ ए हॉरिजन, जिसको टॉप सॉइल कहा जाता है। बी हॉरिजन के अंदर सेकंड लेयर आती है। सी हॉरिजन में सबस्ट्रेटम जिसको कहा जाता है उसमें थर्ड लेयर आती है। और फोर्थ लेयर जो है जिसको हम बेड रॉक भी कहते हैं या फिर पैरेंट रॉक भी कहते हैं। तो पहले हम टॉप सॉइल के बारे में जानेंगे जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं, जो पहले ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर जिस पे हम चलते हैं, खेलते कूदते हैं, इसको कहा जाता है टॉप सॉइल, और इसको ए हॉरिजन भी कहा जाता है। टॉप सॉइल के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्केस्ट इन द कलर, ये सबसे ज़्यादा डार्क होती है, और ये ह्यूमस और मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स यहीं पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें, ह्यूमस जो हैं वो टॉप सॉइल में होता है, जिस कारण से सॉइल जो है फर्टाइल बनती है और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उनके लिए ज़रूरी हैं न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करवाती है टॉप सॉइल। ये लेयर जो है जनरली सॉफ्ट, पोरस और पानी को ज़्यादा समय तक रिटेन रखने लायक होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है, इसको आप आसानी से खोद सकते हैं। पोरस, इसमें से पानी बहकर नीचे जा सकता है, रिस सकता है पानी नीचे, और इसके अंदर आप ज़्यादा पानी रिटेन करने की भी कैपेसिटी होती है। टॉप सॉइल जो है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसमें वॉर्म्स हो गए, अंदर रहने वाले चूहे या रोडेंट्स या फिर कोई भी किसी भी तरह के इंसेक्ट या प्राणी इसके अंदर रह सकते हैं। रूट्स जो होती हैं वो इसी लेयर के अंदर फैली होती हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी रूट सबसे पहले यहीं से होकर गुजरती हैं और ज़्यादातर इसी लेयर में फैली होती हैं। दूसरी सॉइल जो है टाइप, जो इसका सेकेंड लेयर है जिसको हम सब सॉइल भी कहते हैं, जिसको बी हॉरिजन कहा जाता है, वो होता है जस्ट एग्जैक्टली टॉप सॉइल के नीचे। तो टॉप सॉइल के नीचे का पार्ट जो होता है उसको बी हॉरिजन कहा जाता है। ये लेयर जो होती है लाइट कलर में होती है और इसके अंदर ह्यूमस कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी कम होता है। ये लेयर जो है ये हार्ड होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है टॉप सॉइल के मुकाबले। रूट्स जो हैं पेड़ों की वो इस लेवल तक पहुँचते हैं ताकि उनको पानी मिल सके। प्लांट्स में जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, श्रब्स या बुशेज वगैरह होते हैं, उनकी रूट्स इतनी गहरी नहीं जाती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो इस लेयर को लेयर तक पहुंच जाती हैं। ये लेयर जो हैं ये सॉल्युबल मिनरल्स और आयन ऑक्साइड में काफ़ी रिच होती है। तो इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा आयन ऑक्साइड और कुछ और सॉल्युबल मिनरल्स इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरी जो टाइप ऑफ लेयर जो है हमने देखी यहाँ पर, वो है सी हॉरिजन, जिसको सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। ये वो लेयर है जो कि सब सॉइल के नीचे होती है, तीसरे नंबर पे आती है। इस सॉइल की स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं टूटे हुए रॉक्स के, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि पार्शियल वेदरिंग का रिजल्ट होते हैं। मतलब पूरे तरीके से वेदर नहीं हुए होते हैं, वो पार्शियल वेदरिंग के जो रिजल्ट है वो इसमें देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप हमको इसमें रॉक्स के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये लेयर जो होती है इसमें ह्यूमस कम होता है और ये पार्ट जो होता है ये मोस्टली इनफर्टाइल होता है। ये लेयर जो है इसके अंदर क्रैक्स होते हैं और क्रेविसेस, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं पत्थरों के जैसे, और इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा सूखे के समय कैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं। चौथी जो लेयर होती है उसको बेडरॉक कहा जाता है, डी हॉरिजन भी। ये जो होती है सबस्ट्रेटम के एकदम नीचे होती है। ये जो है दिस बेडरॉक इज सॉलिड, ये बेडरॉक जो होता है सॉलिड होता है, नॉन पोरस, इसके अंदर पानी अंदर बहता ही नहीं है, नीचे रिसता ही नहीं है, और ये हार्ड लेयर होती है क्योंकि इसके अंदर वेदर्ड रॉक्स होते हैं। इस लेयर को खोदना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेड, अब वो तीखे वाला स्पेड आता है, उससे भी इसको
खोद नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा ये कड़क रहता है, टाइट रहता है। इसके अंदर पानी नीचे नहीं जा सकता है, इसीलिए ये जो बेड रॉक है इससे ऊपर का जो पार्ट रहता है वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द रिजर्वेयर ऑफ रेन वाटर एक्युमुलेटेड इन दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसके अंदर जो पानी रहता है, क्योंकि इसके नीचे तो रिस नहीं सकता है पानी, तो इसके ऊपर के पार्ट में पानी रहेगा, तो यहाँ पर जो भी पानी ऊपर होता है इस लेयर के ऊपर ऊपर, उसको हम ग्राउंड वाटर कंसिडर करते हैं। जब बारिश काफ़ी अच्छी हो जाती है तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, तो उस समय ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रकार की बात करेंगे। सॉइल जो होती है उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं उसके आधार पर भी उसको बांटा जा सकता है। उसके अंदर सैंडी सॉइल को हम ले सकते हैं, लूमी सॉइल और क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल कौन सी होती है? ये सॉइल जो होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, और सिल्ट और क्ले काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। इसके फीचर्स की बात करें तो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ मिलकर फिट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इनके बीच में काफ़ी गैप रहता है, स्पेस रहती है, और इस स्पेस को फिल करने के लिए हवा काम आती है, हवा इसको फिल करती है। सो वी कैन से दैट सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड। ये जो सॉइल होते हैं वेल एरेटेड, क्योंकि इसमें हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं इस सॉइल के अंदर, उनके बीच में लार्ज स्पेसेस होती हैं, और इससे सैंडी सॉइल जो है वो पोरस बन जाती है। आप जानते हैं जब हम रेत के ऊपर पानी फेंकते हैं तो एक मिनट में वो पानी नीचे चला जाता है, सोख लेती है, क्योंकि इसके अंदर एयर बहुत होती है और बहुत ज़्यादा पानी को सोख सकती है। वाटर तुरंत उसके अंदर से नीचे चला जाता है और वो सॉइल ऊपर से सूख जाती है। लेकिन ये भी बता दिया जाए, ये सॉइल जो है ये पानी को होल्ड नहीं कर पाती है ज़्यादा देर के लिए। आगे देखें तो सैंडी सॉइल जो है बहुत हल्की होती है, और ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी चली जाती है, यानी कि इसको उड़ा दिया जाता है हवा के द्वारा। सैंडी सॉइल जो होती है उसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस इसमें लगभग नहीं होता है, ये बहुत लेस फर्टाइल मानी जाती है। सैंडी सॉइल जो है पानी को होल्ड नहीं कर सकती है, और इसके अंदर ह्यूमस भी कम होता है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी कम होते हैं, इसीलिए ये सॉइल जो होती है क्रॉप ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती है। सैंडी सॉइल स्टिकी भी नहीं होती। आपने देखा होगा रेत कभी चिपकती है, उसका मुट्ठी में पकड़ कर छोड़ोगे, बंद करोगे मुट्ठी को, तो अपनी मुट्ठी से फिसलती जाएगी। सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट। ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट एरियाज के अंदर पाई जाती है। दूसरी टाइप ऑफ सॉइल जो हमारी है वो है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो है उसके अंदर क्ले मेनली पाई जाती है, और इसके अंदर काफ़ी कम मात्रा में सैंड होती है और सिल्ट होती है। इसके अंदर ह्यूमस थोड़ा होता है। इसके फीचर्स देखते हैं। क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और एक दूसरे को टाइटली पैक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और इससे इनके बीच में स्पेस काफ़ी कम रहता है, जिससे हवा इनके अंदर काफ़ी कम रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लेई सॉइल जो होती है उसके अंदर हवा कम होती है। क्लेई सॉइल के अंदर बहुत ही कम इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे का चिपके रहते हैं, इससे ये सॉइल लेस पोरस बनती है, यानी कि पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जा सकता है। सो इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन जो अंदर चला जाता है वो बाहर आने में उसको दिक्कत होती है, यानी कि बहुत ऊपर से पैक होती है तो जल्दी सूखता ही नहीं है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा बेटर रहती है। क्ले सॉइल गेट्स वाटर लॉक्ड इजीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के टाइम पे इस सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा कैद हो जाता है। क्लेई सॉइल जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है जब सूख जाती है, तो क्लेई सॉइल बहुत हैवी होती है, और इसके हैवी होने का रीज़न है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती है। पानी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हैवी हो जाएगी। क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट। जब ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। इसके आप लड्डू बना सकते हो, इससे आप खेल भी सकते हो कोई भी गेम आपको खेलना हो तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी और स्टिकी हो जाती है। लूमी सॉइल की बात करते हैं। लूमी सॉइल जो है इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले, इसके अंदर सैंड और क्ले के इक्वल अमाउंट में पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सिल्ट भी होती है, और ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, और ये एकदम रूखी सूखी सी दिखाई देती है। लूमी सॉइल जो है ये बेस्ट मानी जाती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसके कारण क्या है वो ये कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है वो बिल्कुल सही रहती है, यानी कि वाटर को होल्ड करने की इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ठीक रहती है, जितनी चाहिए उतनी ही।
और लूमी सॉइल जो है उसके अंदर हवा भी काफ़ी रहती है क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी इक्वल रहता है और इस कारण से इसमें हवा भी काफ़ी रहती है। लूमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लूमी सॉइल जो है इसको प्लो करना काफ़ी आसान होता है खेतों में, तो प्लोइंग के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है सॉइल। तो ये हमने तीन तरह की सॉइल्स के बारे में जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज जानते हैं, अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट विल सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन डिफरेंट सॉइल टाइप। सॉइल जो है उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमें अलग अलग तरह की सॉइल को जानने में मदद मिलती है। पहला, सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल के अंदर एयर होती है, इसको इस एक्टिविटी के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। दूसरा, सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर, इसके लिए भी एक एक्टिविटी बताई गई है जिसको आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सॉइल के अंदर वाटर भी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कंक्लूजन में लिखा है, सॉइल कंटेन्स वाटर प्रेजेंट एज अ थिन इनविजुअल फिल्म अराउंड इट्स पार्टिकल्स। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक थिन इनविजिबल यानी कि हमको दिखाई ना दे ऐसी लेयर के रूप में यहाँ पर मॉइस्चर पाया जाता है। वेन यू पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, जब आप किसी फार्म लैंड में से गुजरते हैं समर डे पे, तो आप देखोगे कि हवा जो है वो चमक रही है, लैंड जो है ऐसे चमक सी पैदा हो रही है। ये क्यों होता है? दिस सॉइल, द सॉइल इन द फार्म लैंड कंटेन्स वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो फार्म लैंड में सॉइल है उसके अंदर जो पानी है उसके कारण ऐसा होता है। हॉट समर डे पे पानी जो है इवेपोरेट होकर ऊपर आ जाता है, ऊपर उठने लगता है, जिससे हमको ऐसा प्रतीत होता है दूर से कि वहाँ पर पानी है और वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। वाटर जो है कैसा होता है पानी, पानी तो पारदर्शी होता है शीशे के समान, इसलिए जब वहाँ पर सनलाइट सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो उस पानी की बूंदें वेपर जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है। सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, सॉइल जो है वो वाटर को अलाउ करती है परकोलेट करने में। परकोलेट का मतलब होता है उसको अपने अंदर आने देना, यानी कि रिसना। जैसे ज़मीन पे आप पानी फेंकते हो तो थोड़े समय के बाद पानी कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के अंदर समा जाता है, रिस जाता है। सॉइल जो है वो वाटर को परकोलेट करने देती है। सॉइल के अंदर स्पेसेस होती हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। जब पानी सॉइल पर डाला जाता है तो कुछ पानी जो है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो है वो नीचे बह जाता है सॉइल के अंदर। द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। अब यही जो प्रोसेस होता है जो पानी जो है सॉइल के ऊपर से नीचे अंदर उसके रिस जाता है उसको कहा जाता है परकोलेशन। आपने देखा होगा जब आप गमले में पानी डालते हो, घर में आपके प्लांट्स हैं जो गमले में पानी डालते हैं ऊपर भर देते हैं पानी, तो थोड़े समय के बाद पानी नीचे से सॉइल जो है उसको खींच लेती है, रिस जाता है पानी। और जब आप शाम को वहाँ देखते हो तो ऊपर का पार्ट तो सूखा होता है, आप 3-4-5 घंटे का देखोगे धूप में पड़ा है अगर प्लांट का वो गमला, तो जब उसमें आप पॉट के ऊपर देखोगे तो पानी सूख चुका है, तो आपको लगेगा प्लांट सूख गया, अभी ऊपर मिट्टी में पानी ही नहीं है। लेकिन जब आप नीचे अपने उंगली से फिंगर से या किसी भी लकड़ी से उसको अंदर से खोदोगे थोड़ा, तो आप पाओगे कि नीचे पानी अवेलेबल है। तो वो पानी कैसे वहाँ पहुँचा? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। वाटर जो है वो हर एक प्रकार की सॉइल से परकोलेट कर सकता है, बस उनके रेट ऑफ पॉपुलेशन में फ़र्क होता है, यानी कि कोई ज़्यादा कर सकता है कोई कम कर सकता है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन ए सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर्स विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर सॉइल में से कितने मिलीमीटर पानी नीचे रिस गया उसको कहा जाता है परकोलेशन रेट। तो परकोलेशन रेट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यानी कि कितना पानी सॉइल ने परकोलेट किया यानी कि अपने अंदर लिया और उसको डिवाइड करना है कितना समय लगा उसको, तो इससे हम उसका परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं सॉइल का। आगे है हमारा टॉपिक, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक सम दिया गया है जिसमें 100 ml ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि 100 ml पानी को 10 मिनट लगते हैं परकोलेट होने में, तो हमें परकोलेशन रेट निकालना है। तो 100 ml डिवाइडेड बाय 10 मिनट तो विल गेट 10 milliliter पर मिनट, ठीक है, 10 ml पर मिनट, क्योंकि 100 मतलब टोटल कितना वाटर परकोलेट हुआ, 100 ml टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 विल गेट द आंसर 10। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो ये जो परकोलेशन की बात थी, अब सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। हमें पता है कि सॉइल जो है पोरस होती है, उसके अंदर स्पेसेस भी होती हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में, इसी कारण से सॉइल जो है पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको रिटेन भी रख सकती है अपने पास। सब प्रकार की सॉइल जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब सेम मात्रा में नहीं कर पाती हैं, तो कौन सी मिट्टी पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, कौन सी कम एब्जॉर्ब करती है, इसको जानने के लिए भी हमारे पास फार्मूला रहता है।
वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल. तो इसके लिए हमें कितना सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, कितने परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया, इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि सैंडी सॉइल है, उधर क्लेई सॉइल है और तीसरी लूमी सॉइल है. आप पिक्चर देख रहे हैं जो 9.8 में, तो तीनों बीकर्स के अंदर आप देख रहे हो नीचे वाटर सिलेंडर है जिसमें आप मेज़र कर सकते हो. जब ऊपर से पानी डाला गया तो उस मिट्टी में से कितना पानी पास हुआ, इससे हम उसका परकुलेशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए भी एक और न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें हम लोग देखेंगे क्या है. 50 ml ऑफ वाटर वॉज एडेड टू ड्रॉप वाइज टू एडेड ड्रॉप वाइज टू 50 g ऑफ ड्राई सॉइल. अब 50 ml पानी जो है वो बूंद बूंद करके 50 g ड्राई सॉइल के ऊपर डाला गया. कैप्टन फिल्टर पेपर, ऊपर फिल्टर पेपर था ताकि मिट्टी फनल के अंदर उस बीकर के अंदर ना जाए. द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर बिलो वॉज फाउंड टू बी 40 ml. नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ, जैसे आप सेटअप देख रहे हैं यही सेटअप है, ऊपर एक फनल लगाई गई, उसके अंदर एक पेपर रखा गया ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर, और उसके अंदर सॉइल डाली गई तीनों तरह की अलग अलग, और उसके अंदर 50 ml पानी बूंद बूंद करके डाला गया. अब हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कि कितना परसेंट सॉइल ने वाटर अब्जॉर्ब किया है. तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मास ऑफ द सॉइल, सॉइल कितनी ली थी हमने, 50 g ली थी. वॉल्यूम कितना पानी हमने उसमें डाला था, वाटर की वॉल्यूम कितनी थी, वो भी 50 ml डाला था. अब नीचे हमें पानी मिला कितना सिलेंडर के अंदर, 40 ml मिला. तो यानी कि कितने ml पानी सॉइल ने अब्जॉर्ब किया, सॉइल ने 10 ml पानी अब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, सो मास ऑफ द वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज 10 g. तो सॉइल ने 10 g पानी को अब्जॉर्ब किया. अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, तो परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल अपॉन मास ऑफ द सॉइल टेकन इनटू 100. हमने देखा था यहाँ पर पानी कितना अब्जॉर्ब किया सॉइल ने, 10 g, और मास सॉइल का कितना था, 50 g. इनटू 100 करेंगे तो विल गेट द परसेंटेज 20%. तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट जो है सॉइल का, वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज 20%. तो 20% सॉइल ने पानी अब्जॉर्ब किया. आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल एंड क्रॉप्स. अलग अलग तरह की सॉइल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के प्लांट्स को उगाने में मदद करती हैं, और अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग तरह के सॉइल्स भी मिलती हैं. सॉइल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं पेरेंटल रॉक पे, कि कौन से रॉक से वो बनी है. विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ सॉइल. द टाइप ऑफ सॉइल एज वेल एज द क्लाइमेटिक फैक्टर डिटरमिन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन द इन एनी रीजन. वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कैसी सॉइल पाई जाती है, यही चीज़ें डिफाइन करती हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति उग सकती है. पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, क्लेई सॉइल जो है उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है पानी को रिटेन करने के लिए, इसीलिए पैडी, चावल उगाने में काफ़ी मददगार रहती है क्लेई सॉइल. लूमी सॉइल जो है उसमें से पानी जल्दी निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर लेंटिल्स यानी कि दाल वगैरह उगाने में, खासकर मसूर दाल जो है वो उगाने में काफ़ी मददगार रहती है. सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल जो हैं ये पानी को जल्दी ड्रेन करते हैं, यानी कि अपने अंदर से निकाल देते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा हवा इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इसको कॉटन उगाने के लिए ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है. लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, क्ले सॉइल और लूमी सॉइल ये दोनों ही सूटेबल हैं सीरियल्स उगाने के लिए, जैसे कि वीट और ग्राम. और सम सॉइल्स हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, कुछ सॉइल्स के अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है. सो जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें हमने देख लिया कि किस प्रकार से अलग अलग तरह की सॉइल्स जो हैं वो अलग अलग पेरेंटल रॉक से बनती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कैसी सॉइल है और उसमें किस प्रकार की वनस्पतियाँ उगेंगी. और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि अलग अलग सॉइल्स जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनके फ़ायदे हमें क्या क्या है, कि वो कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं एक दूसरे से. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.